मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहली बार नवग्रह की नगरी खरगोन पधार रहे हैं, जहां नवग्रह मैदान पर सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही पुलिस विभाग के साथ संभाग स्तरीय बैठक होना प्रस्तावित है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विकास कार्यों की समीक्षा के अलावा करोड़ों की सौगात देने मोहन यादव खरगोन पहुंच रहे हैं, जहां हजारों की तादाद में नेता, कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारियों के अलावा आम जन के आने की उम्मीद जताई जा रही है। जन चर्चा की बात की जाए तो मोहन यादव नवग्रह की नगरी को कोई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। खरगोन शहर में कार्यक्रम है, बेसिकली हेलीपैड में लैंड करेंगे। हेलीपैड चत्तावर रोड पर बनाया गया है। लैंडिंग के बाद उनकी शोभा यात्रा है, बेसिकली जन आशीर्वाद और जन आभार यात्रा का आयोजन है। जन आभार यात्रा में 40 से 50 पंडाल लगाए गए हैं। पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। जो पार्किंग का प्लान है, पार्किंग का प्लान जारी कर दिया गया है। इस ग्राउंड के पीछे के भाग में पार्किंग हो। पार्किंग के बाद फिर जो सभा स्थल पर व्यवस्थाएं हैं, जो माननीय CM साहब की जयपुर सिक्योरिटी है, जयपुर सिक्योरिटी के नॉर्म्स के साथ व्यवस्थाएं की गई हैं। इस कार्यक्रम में 25 से 30 हज़ार की आम जनता भागीदारी करेगी। उनके प्रवेश पीछे तरफ से रखे गए हैं, वो DFMD के माध्यम से प्रवेश करेंगे। कोई भी आपत्तिजनक चीज़ कार्यक्रम स्थल पर अलाउड नहीं है, स्क्रीनिंग के बाद ही अलाउड करेंगे। पार्किंग के पूरे इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि जनता आसानी से सुरक्षित तरीके भागीदारी कर सके। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हो गए। इस समय हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं और जो VIP सिक्योरिटी के नॉर्म्स उनका पालन किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है कल 1 जनवरी को खरगोन पधार रहे हैं। यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे और संभाग स्तरीय एक समीक्षा बैठक भी है, जिसमें पुलिस के अधिकारीगण और जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारीगण हैं उनके साथ में कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक भी रखेंगे। तो ये उनका पूरा कार्यक्रम है कल के दिन का, शाम को 5 बजे जो है स्थान है। सर, तैयारियों को लेकर बात करें तो किस स्तर की? देखिए, वृहद स्तर पर तैयारियाँ हुई हैं। जो लोकल माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी अपने स्तर पे जो है उसको कर रहे हैं। आम जनता भी जो है, अभी हम लोग एक समूह को संबोधित करके आ रहे हैं, तो वहाँ आम जनता जो शहर की जनता है वो भी बहुत उत्साहित है। और चूंकि अभी मुख्यमंत्री महोदय पहली बार उनका नगर प्रवेश हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री बनने के पास में, तो लोगों में उत्साह है और वो लोग स्वयं हमसे संपर्क करके कर रहे हैं कि हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनका जो तैयारियों को ज़्यादा बृहद रूप देना चाहते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे विस्तृत तैयारियाँ जो है की है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पे हेलीपैड बनाया है, वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय कल जो है सभा स्थल पर आएंगे और यहाँ का जो है कार्यक्रम, जनसभा का जो कार्यक्रम है वो सम्पन्न होगा। और उसके बाद फिर जो है सेकंड हाफ में जो है वो मीटिंग करके शाम को 5 बजे 30 से 40 हज़ार की जनसंख्या का अनुमान है और बृहद रूप में पूरे जिले से जो है वो लोग आ रहे हैं। नहीं, इसको इस कार्यक्रम के स्वरूप को थोड़ा चेंज किया गया है। अब जो विकास कार्यों की जो भूमि पूजन शिलान्यास है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वृहद स्तर पे लगभग 51 करोड़ के तो इसी जिले में और बाकी संभाग में 167 करोड़ रुपए के जो है भूमि पूजन शिलान्यास लोकार्पण जो है वो कर रहे हैं। ये तो केवल प्रधानमंत्री सड़क और पुल पुलिया ही है, इसके अलावा बैराज जो है हमारा झिरनिया में और भगवानपुरा में 2 बैराज है, उसका लोकार्पण हो रहा है। नगर परिषद खरगोन की जो 2 करोड़ की लागत की जो रोड बन रही है उसका शिलान्यास हो रहा है। ऐसे कई और विकास कार्यों का जो है शिलान्यास और भूमि पूजन जो है लगभग 185 करोड़ के आसपास जो है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।